थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। और देखिए आज के ये वीडियो में ना, पहले तो मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर दो चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो पूरी की पूरी थिंकिंग है उसको पूरा का पूरा बदल के रख देगी, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर बाद में आप सोचते हो कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने भाई को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे फॉलो नहीं किया है, यानी कि सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है, जा कर के क्लिक करो और अपने भाई को फॉलो करो और सपोर्ट दिखाओ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें दो चीज़ मैं आज आपको ऐसे ही बताऊँगा जो अगर आप जान लेते हो तो टाइम मैनेजमेंट में आपको काफ़ी मदद मिलती है। सबसे पहला देखिए, टाइम कभी भी आप इन्वेस्ट कीजिए, उसे स्पेंड मत कीजिए। इसका मतलब क्या है? आप जब मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ें जब आप, मान लीजिए टाइम को पैसे के हिसाब से समझिए, आपने सुना होगा ना टाइम इज़ मनी, तो आपको वो जो कोट है उसको समझना होगा बारीकी से, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने कोई भी चीज़ खरीदा, यानी कि आपने अपने पैसे खर्च कर दिए, तो वहाँ पे आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, या फिर बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा सोचते हैं पैसे खर्च करने के मामले में। लेकिन जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, या फिर कोई कोर्सेज वगैरह लेते हो जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 10 से 15 बार आप सोचते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे सोचते हो। सेम चीज़ आपको अपने टाइम के साथ भी करना है। आपको ये देखना है कि क्या आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो या फिर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। कई बार कैसे होता है ना, आप काफ़ी ज़्यादा प्लान बना लेते हो, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं, सो कॉल फ्रेंड्स, आपको वीडियो कॉल करते आपके पूरे टाइम की धज्जियाँ उड़ा देते। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी को कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, वहाँ पे आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आप उसे अपना कीमती टाइम नहीं दे सकते, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको आगे लेके जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपना जो टाइम है वो स्पेंड नहीं करें, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप देखें कि दिन में आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? आप उस जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो जिससे आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? अगर इसका जवाब ना है तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। पबजी खेलना है तो उसका समय डिसाइड कीजिए और बाकी सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन सब कुछ प्लान में हो। आपको ध्यान देना है, ब्रेक्स भी रखना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, लेकिन उन सब का अपना एक टाइम होना चाहिए। आप ज़्यादातर टाइम अपने पूरे दिन प्रोडक्टिव रहने चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये थेरेपी ध्यान रखना है। तो चलो, अभी आपने पहली तो चीज़ समझ ली, अब चलते हैं हम सेकेंड चीज़ के ऊपर जो मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो में दो चीज़ बताने वाला हूँ। सेकेंड जो चीज़ है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपका जो वाई होता है वो काफ़ी क्लियर होता है। आपको ये पता होता है कि यार मुझे ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो क्यों करना है, लेकिन वहाँ पे जो होता है आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो इतना होता है जिससे आप कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। कभी भी ना जो आपका टाइम है, जो डिस्ट्रैक्शन, कभी भी आप या तो फोकस रहोगे या तो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। यानी कि आप एक साथ ये फोकस नहीं हो सकते और एक साथ डिस्ट्रैक्शन में नहीं रह सकते हो। या तो आप फोकस रहोगे या तो आप डिस्ट्रैक्शन में हमेशा रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो आपको ये समझना है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको डिस्ट्रैक्टेड रहना है या फोकस रहना है। जब आपको ये पता चल जाता है कि नहीं यार, सक्सेसफुल रहने के लिए मुझे फोकस रहने की ज़रूरत है, मेरे टाइम को मुझे फोकसली अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत है, तब आपको आपका जो वाई है वो क्लियर हो जाता है। तब आपको, जब आपको पता चल जाता है कि अब मुझे फोकस रहना है, मुझे मेरे टाइम को अच्छे से यूज़ करना है, उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन दूर करना है। क्योंकि कई बार कैसे होता है ना, आपका जो वाई है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मतलब वाई क्लियर ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि टाइम को क्यों अच्छे से यूज़ करना है। आप जाते हो ऑनलाइन, आप सर्च करते हो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, सब चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आपको एक मेन पॉइंट बताते ही नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है तो करना क्यों है, राइट? जब आपका ये चीज़ क्लियर नहीं होता है तो आप कितनी भी टिप्स यूज़ कर लो, कितनी भी ट्रिक्स यूज़ कर लो, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो ये वीडियो में मैं चाहता तो आपको ढेर सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बता सकता था, ABC टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक, ढेर सारी टेक्निक्स होती हैं, वो मैं सारी चीज़ बता सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक्स क्लियर हो। और बेसिक ये है कि आप सबसे पहले अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और सेकंड टाइम डिस्ट्रैक्शन कम कर दीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपको फोकस रहना है। जब आपके मन में ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे फोकस रहना है, मेरे टाइम को इन्वेस्ट करना है, मुझे देखना है कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ,
तभी जा कर के आप फोकस हो पाओगे, क्योंकि आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे ये रेस जीतना है तो जीतना क्यों है, अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है तो फॉलो क्यों करना है। आपका वाई क्लियर हुआ, अब आप डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर करोगे, आपको कोई थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही दो चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरी आप लोगों से एक ख़ास दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वीडियो का, वहाँ पे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे टिकटॉक की लिंक्स है, ट्विटर की लिंक्स है, वहाँ पर जाके कनेक्ट होइए, बात करते हैं, क्योंकि मैं वहीं पर ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और हर किसी का रिप्लाई मैं वहीं पर देता हूँ। ये एक छोटी सी अपील थी मेरी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, क्योंकि हर बारी मेहनत करके आते हैं, आपको पता है 21 डेज का लॉकडाउन है, फिर भी जो कमिटमेंट है उसके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।